नमस्कार आप देख रहे खबरों की खबर मैं हूं सुमित्र अवस्थी आजादी के पिछहत्तर साल के बाद भी हमारे देश की आधी आबादी आजादी का इंतजार कर रही है आजादी घिनौनी सोच से आजादी महिलाओं को सजावटी वस्तुओं के तौर पर देखने से आजादी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को केवल एक मनोरंजन का साधन के तौर पर देखने से बीते कुछ हफ्तों से देश भर से ऐसी ही खबरें आई हैं तभी हम ये कड़वी हकीकत कहने पर आज मजबूर हुए हैं अपने देश में न महिला डॉक्टर सुरक्षित हैं न स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियां सुरक्षित हैं न ऊंची उड़ान भरने वाली एयरहोस्टेस सुरक्षित हैं और न ही फिल्मों में काम करने वाली बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां सुरक्षित हैं कई बार तो लगता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को जैसे कोई डर है ही नहीं या फिर जैसा हम कल भी कह रहे थे कि क्या कानून का जलाल खत्म हो गया है ये बात भारत के किसी एक इलाके तक दरअसल सीमित नहीं है महिलाओं पर अत्याचार की खबरें उनके अधिकारों को छीनना ये लगभग हर जगह से खबरें बीते कुछ दिनों में आई हैं लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी खबर इसी चीज से जुड़ी हुई है जैसे कि मैंने आपको इशारा किया बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी अब इस महिला उत्पीड़न का शिकार हुई हैं और इस बार खबरों में है जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति को लेकर आई है और जब से जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है बड़े बड़े एक्ट्रेस बड़े बड़े फिल्मकार जो है मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के वो परेशान चल रहे हैं कईयों को अपनी जद में ले लिया है डिटेल में आज हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर बात करेंगे इतिहास बताएंगे कमेटी की खास बातें बताएंगे और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं उनको बेनकाब करेंगे दूसरी बड़ी खबर गुजरात से जुड़ी हुई है गुजरात जिसको विकास मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है देश विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है लेकिन एक दो दिन की बारिश ने देश में जैसे बाकी ज़िलों का हाल किया था बाकी राज्यों का हाल किया वही स्थिति गुजरात में हो गई है लगभग गुजरात के ज़्यादातर ज़िले इस वक्त विकट बाढ़ की चपेट में है बहुत से जगहों पर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है जल जमाव है ग्राउंड पर हमारा रिपोर्टर मौजूद है उनके जरिए हम तस्वीर दिखाएंगे ये आठ जिले हैं नाडियाड का अहमदाबाद का वड़ोदरा का कई जगह पर जामनगर साबरकाठा वडोदरा अमरेली मोरबी अरवली ये आठ ऐसे जगह हैं जहाँ पर बहुत ख़तरनाक तस्वीरें निकल कर बीते दो दिनों से सामने आ रही हैं क्योंकि ज़बरदस्त बारिश हुई है और विकास मॉडल धरा का धरा रह गया है वही विकास मॉडल जिसकी कस्में खाई जाती हैं वही विकास मॉडल आप जिसके बारे में देश भर में बारिश में जो पोल खुलती है चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो या फिर बिहार हो अब गुजरात भी उसकी चपेट में आ गया है आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी खबर से और वो बड़ी खबर हमारी है सीधे तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया हेमा कमेटी के बारे में केरल में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी मॉलीवुड को लेकर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट क्या सामने आई वहां हंगामा मचा हुआ है महिलाओं के साथ यौन शिकायतों के मामले में एक से एक बड़े चेहरे से नकाब उतर रहे हैं बड़े बड़े अभिनेताओं और फिल्मकार के खिलाफ यौन शोषण दुर्व्यवहार की शिकायतें लेकर सामने आ रहे हैं हमने इस खबर को आपको तफसील से आज बताना है जैसे कि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं कि जैसे सेमा कमेटी की रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से पूरे बॉलीवुड में चिंता की बात है दरअसल फिल्मों की चमकीली दुनिया के पीछे की कालिक को यह रिपोर्ट अब सामने लेकर आई है देश के सबसे शिक्षित राज्यों में केरल की गिनती होती है लेकिन वहाँ का समाज खासकर फिल्मों में काम करने वाले लोग कितने पिछड़े हैं कितने वो जाहिल हैं ये उजागर करके रख दिया है मॉलीवुड यानी केरल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं और अभिनेत्रियों की स्थिति पर आई जस्टिस हेमा कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट ने समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने में फिल्में और खासकर मलयाली फिल्में बहुत आगे रहती हैं लेकिन जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि नैतिकता ये दिखावे की है मलयालम फिल्म उद्योग में महिला कलाकार चाहे वो बड़ी आर्टिस्ट हो या फिर छोटी उनके साथ बड़े बड़े और जाने माने लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई मलयालम फिल्मों के ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होते दिख रहे हैं जिन्हें लोग पूजने लगे थे दक्षिण भारत में फिल्मी कलाकारों को लेकर जनता में जुनून वैसे ही कम नहीं होता आपने देखा होगा सुबह से भीड़ लग जाती है वहाँ पर फिल्म सास के मंदिर बनते हैं ऐसे में वो जुनून पागलपन की हद तक वहाँ पर साउथ में दिखाई देता है ऐसे में जब हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आती है तो कई दिग्गज अभिनेताओं को अब अर्श से फर्श पर आते ज़्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है सिर्फ दक्षिण भारतीय भाषाओं के अखबार ही नहीं देश में लगभग हर भाषा के अखबारों में ये खबर सुर्खियों में है आप सामने स्क्रीन पर देखिए आपके सामने ये ग्राफिक्स से अलग अलग अखबारों के जो इशारा कर रहे हैं जो बता रहे हैं साफ तौर पर कि केरल की फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यौन शोषण के आरोपों से दहली हुई है मलयालम फिल्म उद्योग की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे रंजीत सिद्दकी बाबूराज और साजन बाबू जैसी हस्तियों पर बहुत गंभीर सवाल उठे हैं ये सब बहुत बड़े कलाकार हैं मॉलीवुड के बीते तीन दिन में ही यौन शोषण और रेप से जुड़े 18 केस पुलिस दर्ज कर चुकी है हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी होने के बाद सोमवार को सबसे पहले एक बंगाली सामने इसके बाद केरल पुलिस ने फिल्म रंजीत के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया इसी कड़ी में ताजा नाम सोनिया मल्हार का सामने आया है जिन्होंने केरल के डीजीपी को आज एक शिकायत की है हालांकि इस मामले में आरोपी अभिनेता का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है मंगलवार को एक और अभिनेत्री मीनू मुनीर ने जाने माने केरल फिल्मों के अभिनेता जयसूर्या पर जब यौन शोषण का आरोप लगाया था तो सोनिया से जुड़े आरोप भी सोशल मीडिया पर वायरल थे हालांकि सोनिया ने इन रिपोर्टों के बाद कहा कि उनके आरोप जयसूर्या के खिलाफ नहीं है लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आज जो उन्होंने शिकायत दी उसमें आरोपी के तौर पर अभिनेता जयसूर्या है या फिर कोई और मीनू मुनीर ने सात अभिनेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसमें मुकेश जयसूर्या एम राजू और ई बाबू शामिल हैं। केरल सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में आज कोची में मीनू मुनीर के घर पहुंचकर उनके बयान दर्ज किए ये पूछताछ अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई है करीब सात आठ घंटे तक ये बातचीत हुई है मीनू मुनीर के साथ एस की आज ये एक और अभिनेत्री के अब एक और अभिनेत्री ने अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ भी रेप का एक केस दर्ज करा दिया है इस अभिनेत्री के आरोप के बाद ही को एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट ए एम एम ए के महासचिव पद से हटने पर मजबूर होना पड़ा इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं मोहनलाल उनके समेत तमाम सभी पदाधिकारियों को आज अब इस्तीफा देना पड़ा है वैसे इन शिकायतों के बाद कई अभिनेताओं का पक्ष भी सामने आया है उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है वो जब ब्लैकमेल नहीं हुए तो उन्हें इस तरीके से फंसाया जा रहा है केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है और लेफ्ट फ्रंट से जुड़ी महिला नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है The, uh, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कुछ दिन पहले सरकार ने इसे सार्वजनिक किया लोगों ने खुद सामने आकर गवाही दी है मुझे लगता है सरकार और डब्ल्यू सी सी के प्रयास और इन महिलाओं ने जो हिम्मत दिखाई है उससे इन मुद्दों पर ध्यान खींचने में मदद होगी to address all the issues which the Hebar Commission has raised. इस बीच केरल सरकार का कहना है कि हर एक शिकायत के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी रविवार को पिनारी विजयन सरकार ने रिपोर्ट के बाद आई शिकायतों की बाढ़ की जांच के लिए सात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम बना दी है दरअसल ये तमाम आरोप तीन सदस्यों की उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद तेज हुए जिसका गठन दो में किया गया था हम आपको इतिहास बता रहे हैं कि दरअसल एक कमेटी जस्टिस सेवा कमेटी बनी कैसे और कब बनी ये जस्टिस सेवा कमेटी है जिसने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट केरल सरकार को उस वक्त सौंप दी थी लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक हुआ किया गया अभी 19 अगस्त 2024 को यानी अब से करीब 10 दिन पहले जारी किए जाने से पहले भी इस रिपोर्ट को कई बार अदालतों में चुनौती दी गई लेकिन धीरे धीरे ये सभी चुनौतियां ध्वस्त होती गईं कोशिश थी कि रिपोर्ट सामने ना आ पाए लेकिन अदालत ने रास्ता साफ कर दिया अब रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है रिपोर्ट के अंश मेरे पास यहां हाथ में है अभी आपको जब पढ़ के सुनाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि फिल्मों की चमकीली दुनिया के पीछे क्या होता है इस कमेटी की रिपोर्ट जारी होते ही मलयालम फिल्म उद्योग में सनसनी फैल गई है इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ यौन शोषण यौन दुर्व्यवहार रेप काम से जुड़े शोषण की एक से एक किस्से थे कहानियाँ थी इस कमेटी में हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस के हेमा पूर्व अभिनेत्री शारदा और रिटायर्ड आई अधिकारी के वी वलसला कुमारी शामिल थी ये रिपोर्ट 2017 में केरल की के एक संस्था डब्ल्यू सी सी विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की एक याचिका के बाद बनी जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण और लिंग भेद से जुड़े मामलों के अध्ययन की मांग की गई थी विमेन इन सिनेमा सिनेमा कलेक्टिव से संस्था भी तब बनी जब मलयालम फिल्मों की एक महिला अभिनेत्री ने अपने ऊपर यौन हमले और अपहरण का आरोप लगाया था केरल पुलिस द्वारा उस मामले की जांच में आज मलयालम फिल्मों के बड़े अभिनेता दिलीप पर आई थी जैसे सेमा कमेटी की रिपोर्ट दो पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें कम से कम 80 महिलाओं की शिकायतें रिकॉर्ड की गई हैं और ये सभी महिलाएं केरल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं अभिनेत्रियां हैं जूनियर आर्टिस्ट हैं और तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं इनमें कई जानी मानी महिलाओं से लेकर जूनियर आर्टिस्ट तक शामिल हैं इस रिपोर्ट में वाक्य दर वाक्य एक एक फिल्मी हस्तियों की शख्सियत टुकड़ा टुकड़ा होते दिखाई देती है हेमा कमेटी रिपोर्ट ने मलयालम मूवी आर्टिस्ट फिल्म एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ केरला और विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव जैसी फिल्म उद्योग से जुड़ी कई संस्थाओं के सदस्यों से बात करके रिपोर्ट तैयार की है लेकिन हेमा कमेटी की रिपोर्ट तैयार होने में भी मुश्किलें कम नहीं आई रिपोर्ट में आने वाली इन मुश्किलों और मुख्य मुद्दों की आपको जानकारी दे देते हैं क्या परेशानी आई इस कमेटी को इस कमेटी को सबसे पहले जिस बाधा का सामना करना पड़ा वो थी शिकायत दर्ज कराने में महिलाओं की हिचकिचाहट कई महिला कलाकारों को यह डर था कि अगर वो शिकायत दर्ज कराएंगी तो मलयालम फिल्मों में पुरुषों का वर्चस्व उन्हें जीने नहीं देगा उनसे बदला लिया जाएगा यहाँ तक कि उन्हें फिल्म कलाकारों की यूनियनों पर यकीन तक नहीं था हेमा कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक महिला कलाकारों को शूटिंग की जगहों पर शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी मूल सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जाती थीं। ये कहानी मिलती जुलती लग रही है जूनियर डॉक्टर्स की तरह जो कि वहाँ पर हमने सुना था को, कोलकाता की खबर के दौरान तो वैसी स्थिति फिल्मों में भी कलाकारों की है महिला कलाकार इसी कारण पानी पीने से बचती थी कि अगर वो पानी ज़्यादा पिएंगी तो उन्हें शौचालय जाना पड़ सकता है पर शौचालय की सुविधा नहीं होती थी इससे उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ा इसके बावजूद सिर्फ डर की वजह से कई महिलाएं शिकायत करने से बच रही थी और इन्हीं हालात में काम करने को मजबूर रहीं जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट में यौन शोषण के मामलों की विस्तार से पड़ताल की गई है रिपोर्ट के मुताबिक कई महिलाओं को कहा जाता था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उतरने के लिए एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने होंगे अब यह किस तरह के एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की बात रही होगी आप खुद सोच सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक कई महिला कलाकारों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो खुद को सेक्स के लिए उपलब्ध कराएं इसे रिपोर्ट में सेक्स ऑन डिमांड कहा गया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में माहौल ऐसा हो गया था कि महिला कलाकारों की छवि को खराब करना बड़ा ही आसान हो गया था कई महिला कलाकारों को ये यकीन सा हो गया था बिना यौन शोषण के वो फिल्म उद्योग में टिक नहीं पाएंगी। ये भी माना जाने लगा था कि अगर कोई महिला कलाकार किसी फिल्म के इंटीमेट सीन्स करती है तो वो सेक्स के लिए सहज तौर पर उपलब्ध है कई शिकायतकर्ताओं ने अपनी ऐसी शिकायतों से जुड़े ऑडियो वीडियो क्लिप और व्हाट्सएप मैसेज भी जस्टिस हेमा कमेटी को सौंपे इस रिपोर्ट के मुताबिक आउटडोर शूटिंग के दौरान कई बार महिला कलाकारों के कमरों में रात के वक्त जबरन घुसने की कोशिश की जाती थी दरवाजों पर जबरदस्ती नॉक किया जाता था कई महिला कलाकारों को लगता था कि अगर उनके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा तो वो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाएगी कमेटी की जांच में सामने आया कि कई महिला कलाकारों को सोशल मीडिया और अपने प्रशंसकों के बीच अपनी छवि खराब होने के डर से शिकायतों के लिए सामने आने से वो बचती रहीं अगर कभी किसी महिला ने शिकायत की कोशिश की तो उसे सोशल मीडिया में पुरुष अभिनेताओं के ताकतवर फैन क्लब्स की तरफ से निशाना बनाया गया ट्रोल किया गया बदनाम किया गया यहाँ तक पर उन पर निजी हमले किए गए जस्टिस हेमा कब्डी की रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि मलयालम फिल्मों में कुछ अभिनेताओं और फिल्मकारों की लॉबी इतनी मजबूत हो गई कि वो माफिया की तरह काम करती रही जो कलाकारों पर न सिर्फ पाबंदी लगा सकती है बल्कि उन पर जुर्माना भी कर सकती है इस माफिया में 10 से ताकत ताकतवर लोग थे जिनमें प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर और कुछ बड़े अभिनेता भी थे उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत बहुत कम अभिनेत्रियों की थी यहाँ तक कि कई पुरुष कलाकार भी अपनी महिला सहकर्मियों की शिकायतें उठाने में डरा करते थे यही वजह है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटियों का कोई मतलब नहीं रह गया था ताकतवर लोगों के आगे वो कोई कार्रवाई करने में सक्षम थी ही नहीं यही नहीं ये यह लॉबी उन महिलाओं के खिलाफ भी गैंगअप हो गई जो 2017 में महिलाओं की संस्था डब्ल्यू की सदस्य बनी इस संस्था में शामिल हुई महिलाओं को फिल्मों से हटाया जाने लगा यानी उनके पास जो रोजी रोटी का साधन था फिल्मों में काम करना एक्टिंग करना वो उनसे छीना जाने लगा रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर आर्टिस्टों को एक तो मान्यता नहीं मिलती थी और दूसरा ये आर्टिस्ट एजेंटों के जरिए फिल्मों में आते थे तो उनका यौन शोषण करना और आसान हो जाता था रिपोर्ट में ऐसी एक घटना का जिक्र है जिसमें दिल की बीमारी से ग्रस्त एक जूनियर आर्टिस्ट काम से थक कर कुर्सी पर क्या बैठ गया कि उसे तुरंत उठा दिया गया और बाद में प्रोडक्शन से बाहर कर दिया गया जूनियर कलाकारों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता था कई बार तो उन्हें सेट पर खाना और पानी तक नहीं पूछा जाता था साल 2000 तक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कोई लिखित समझौता नहीं होता था अगर समझौता होता भी था तो वो प्रोड्यूसर और बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों के बीच होता था बाकी क्रू उससे बाहर रहता था इसका मतलब था कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा कौन देगा कब तक देगा इसका कोई कायदा कानून नहीं था कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो जूनियर आर्टिस्ट कोई शिकायत कर तक नहीं पाते थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मचे इस हंगामे पर हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के कुछ कलाकारों से बातचीत की है आइए आपको सुनवाते हैं ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस मेन स्ट्रीम जो पिक्चर निकालते उसके बीच में नहीं होता है ये जो नया ऑफिस लगाते हैं नए एक्टरों को एक होप दिलाते हैं वो पिक्चर दे यू नो करने का पैसे भी नहीं रहते हैं, मगर कुछ तो यू नो सम न्यू कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा थोड़ा मनी ला के वहाँ पे आप ज़्यादा इस तरह का देते हैं रेयर कभी ये, ये नो, कभी प्रॉपर बिकॉज ये कितना इट्स एन इंटेंस वर्क बहुत एक्सट्रीम एनर्जी लेते हैं okay, एक मेन स्ट्रीम फिल्म इतना कितना मनी जाता है करियर्स रहते हैं इसके बीच में अगर कहीं कुछ हुआ वो बहुत रेयर है मगर जो भी हो कहाँ भी कुछ भी हो हम सुनते हैं तो हम, हम, हमें डर लगता है कि हर प्लेस में ऐसे ही है और इंडस्ट्री में ऐसा है मगर आई थिंक इट्स मोस्ट इन कुछ जो भी इंडस्ट्री हो आई थिंक इट्स ऑल द सेम ऑलवेज बी समन इज़

वो क्यों हुआ वो हमें ऑब्वियसली दैट कॉन्वर्सेशन हैज़ टू हैपन विद द गवर्नमेंट दैट हैज़ टू हैपन बट ऑल्सो ये सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री का एक uh, एक रेवोल्यूशन नहीं है ये सबके लिए हो रहा है सारे आर्टिस्ट के लिए हो रहा है एंड इसे बेनिफिशियल ओनली नॉट ओनली वूमेन एवरीबडी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्राम दिस एंड ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वीमेंस राइट्स के लिए जो भी मूवमेंट हो रहा है वो विमेन के लिए है वो काफ़ी गलतफहमी है लोगों के बीच में एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट हमारे कलेक्टिव का एक ही एम था पहले से ही स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू द हेमा कमेटी रिपोर्ट इसकी हमारे इंडस्ट्री में जो वर्किंग प्रैक्टिस है उसमें गवर्नमेंट का एक ओवर ऐसा होना चाहिए सो दैट दिल बी अ लिटल मोर ऑफ हेल्दी प्रैक्टिस इन प्लेस सुना आपने क्या कहते हैं वहाँ के कलाकार ज़ाहिर तौर पर यह बात ज़रूरी है कि ऐसे कलाकार को सामने लाया जाए जो सामने आके बताए दरअसल साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में के है। फिल्म हो क्या रहे चाहे वो मलयाली फिल्में हो, चाहे वो तमिल फिल्में हो या फिर मुंबई की फिल्में हों बॉलीवुड जिसको आप कहते हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं जानी मानी अभिनेत्री खुशबू सुंदर जो दक्षिण से लेकर नॉर्थ तक हर तरह की फिल्मों में काम कर चुकी हैं शुक्रिया खुशबू जी हमसे बात करने के लिए जस्टिस सेमा कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी होगी क्या आपकी प्रतिक्रिया है क्या सुनने पढ़ने के बाद क्या लगा आपको बहुत ही गर्व महसूस होता है उन महिलाओं पर जिन्होंने ये कमीशन बिठाई थी और कहा कि नहीं हम इसके लिए लड़ेंगे उनको कोई सपोर्ट नहीं था लेकिन फिर भी वो लड़ी आ, ये जो कमीशन है मैं कहती हूँ इस तरह की जो हरकतें हम देखते हैं जो सेक्सुअल सेक्शुअल हम कहते हैं या सेक्सुअल फेवर्स की जो डिमांड होती है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती है हर हर एक इंडस्ट्री में होती है जहां पर महिलाएं काम करती हैं चाहे वो आईटी हो मेडिकल डिपार्टमेंट हो या हॉस्पिटैलिटी हो या एविएशन हो या आपकी जो मीडिया है वहां भी तो हर जगह पर यह बात होती है लेकिन इतना ही फिल्मों के साथ ये ज्यादा होता है कि ये आंखों के सामने है अगर यही बात यही कमीशन किसी आईटी डिपार्टमेंट में बिठाई होती है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बिठाई होती है, तो शायद इतनी हला नहीं होता इतनी आवाज नहीं उठाई जाती है ना ही आप इतने डिबेट्स कर रहे होते सिनेमा के साथ ये हो जाता है कि सभी सेलिब्रिटीज रहते हैं तो हर बात को बहुत बड़ा बताया जाता है मैग्निफाइंग ग्लास को सामने रखते हुए उसी नजरिए से देखा जाता है लेकिन यस yes, ये जो हरकतें हम देखते हैं ये जो एलिगेशन uh, हैं उनको बहुत ही सही ढंग से इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं अगर वो साबित होते हैं कि वो आरोपी हैं तो उनको बहुत ही सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए कुछ भी जी आप खुद एक सफल एक्ट्रेस रही हैं आपने दिल्ली मुंबई में भी काम किया साउथ में भी काम आपने बहुत लंबे समय तक किया सुपरस्टार का खिताब आपको मिला आप जब फिल्मों में काम कर रही थी आपके सामने ऐसी कोई घटना घटी कोई वाकया सामने आया मैं बड़ी हुई हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में आठ साल की उम्र से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे लिए तो ये अपना खुद का घर है और मैं अपने खुद के घर की बदनामी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक ही घटना हुई थी जब मैं शुरुआत में यहाँ आई थी जब एक प्रोड्यूसर ने उनको लगा शायद अबला नारी है अकेली है बाप का साया नहीं है अभी शुरुआत की है और जिम्मेदारियां हैं फैमिली की तो शायद ये दबाव में आ जाएगी तो सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया था और मतलब डायरेक्टली नहीं मुझे प्रपोजल दिया था लेकिन इनडायरेक्टली मुझसे बात की थी तो मैं समझ गई थी कि वो कहां पहुंच रहे हैं तो उस वक्त मैंने अपनी चप्पल निकाली उनको दिखाया मैंने कहा कि ये साइज इकतालीस है मेरी चप्पल का साइज इकतालीस है तो आप यहाँ खाएंगे या यूनिट में लोगों के सामने मैं आपको चप्पल से मारू तो उसके बाद वो पीछे हट गए तो एक ही हिस्सा मेरे साथ हुआ है ऐसा बाकी और कोई हादसा नहीं हुआ है इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि मैं आ, शायद बहुत ही लकी रही हूं कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो हमें बचाते थे जो हमें बोलते थे जरा संभाल के ये क्राउड ठीक नहीं है या किसी क्राउड में हो तो वहां पर ये हो सकता है कि कोई क्राउड का हमारे साथ बेतुकली हरकतें कर दे तो वो जो हमारे हीरो थे हमारे जो डायरेक्टर्स थे या हमारे जो फाइट असिस्टेंट्स थे स्टंट असिस्टेंट्स थे या हमारे डांसर्स थे या हमारे यूनिट के जो लोग थे लाइटमैन थे वो लोग हमें बचाते थे कि नहीं इनको सेफ्टी के साथ यहाँ से निकालना है तो लेकिन यस मेरे खुद के घर में अगर कहीं पर आ, गंदगी है फैली हुई है तो वो साफ करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है आपके साथ जो घटना घटी आपने एक तरीका निकाला आपने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को डरा दिया उसको उसको उसको, उसको, उसको आपने आ, अपनी चप्पल दिखा दी मेरा सवाल इससे जुड़ा है आखिरकार ऐसी घटनाओं से बचा कैसे जा सकता है एक तरीका तो आपने बचाया एक वो है क्या कानून का खौफ नहीं है क्या आरोपियों को कड़ी सजा तुरंत मिलनी चाहिए उससे कब होगा या समाज में जागरूकता लाने की ज्यादा जरूरत है ताकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इज्जत मिल सके जागरूकता तो बहुत जरूरी है लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि एक महिला को एक औरत को उसके साथ उसके साथ जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो उसी वक्त उसको आवाज उठानी चाहिए किसी भी, भी कीमत पर उसको अपनी जो अः अपनी खुद की जो कहते हैं कि उनकी खुद की आत्मा है उसके साथ कभी भी क्योंकि ये जो हरकतें होती हैं ये जब आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हो किसी ना किसी वजह से वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है आपके आप आपको पीछे नहीं छोड़ती आपके साथ चलती है आपके, आपके साय के साथ चलती है ये चीजें तो मैं कहती हूँ कि उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए डरना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि जब आप डरेंगे तो लोग आपको डराएंगे आप एक बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो कहेगा यार वो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी तो थोड़ा अप्रोच कर तो वो हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शुरुआत में ही हमें बोल देना चाहिए लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि कभी कभी औरतें जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं जो अपने आप को इस इस माहौल से नहीं निकाल पाती हैं वो भी सोचना चाहिए कि प्रोबेबली एक जो सोसाइटल प्रेशर उनके पर होता है कि अगर मैंने कल आवाज उठाई तो सबसे पहले ये बोलेंगे लोग कि तुम वहां क्या कर रही थी तुमने ऐसा क्या किया कि उसने जो तुम्हें ऐसा प्रपोजल दिया तुमने उसको कोई बात की होगी जिसके साथ उसकी हिम्मत बढ़ी है तुमने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ हरकत की होगी तुमने उससे क्यों हंस हंस के बात की तुमने क्यों उसके साथ फ्रेंडली नेचर से बात की ये सब चीजें जो है जो हरकतें करता है उससे सवालत नहीं पूछे जाते हैं कि तुमने ये हरकत क्यों की क्यों तुम तुम में ये हिम्मत आई कहां से वो सब छोड़ के आप महिला को पूछते हो कि तुमने ये सब हरकतें क्यों की।, की तुमने क्या किया था तो आई थिंक एक वो डर रहता है एक जो इनिशियल शॉक रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसी हरकत की क्यों तो वो खुद अपने आप में सोचने लगती है अपने आप में घिन महसूस करने लगती है कि उसको एक घिनौनापन महसूस होने लगता है कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया होगा कि इसने मुझे अप्रोच किया है कभी कभी ये प्रेशर्स रहता है कि उनको करियर बनाना है या उनको लगता है ऐसा होने से ही मेरा करियर बन सकता है क्योंकि अगर मैं करियर बनाऊंगी तो मैं अपने फैमिली को देख सकती हूं उनके खुद के अपने पीछे क्या प्रॉब्लम्स है यह हम यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये जो है जो गंदगी हम साफ करने के लिए बैठे हैं ये गंदगी साफ करने का काम सिर्फ मेरा आपका नहीं है हम जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री अक्रॉस पूरी इंडिया में जो कहती हूँ मैं ये जो ब्रेकअप कहते हैं ये टॉलीवुड मॉलीवुड बॉलीवुड कॉलीवुड में वो ब्रेकअप नहीं करना चाहूंगी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारा खुद का एक आ, हम हमारी जो फैमिली है हमारा जो एक परिवार है हम उसकी बात करते हैं हम सब इसी से बिलोंग करते हैं तो मैं कहती हूँ अगर हमारे हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो ये हर इंसान का फर्ज बन जाता है कि हमारे रिश्तेदारों को हमारे भाई बहन को हमारे दोस्तों को हमारे हमारे जो जान पहचान के लोग हैं अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है तो हम सबको साथ में बैठ के उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ना कि ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है ये दूसरी स्टेट का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है किसी और के घर का प्रॉब्लम है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो शायद मैं खुद प्रॉब्लम में फंसूंगी ये सब ये सब बातें नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि हमें सब इकट्ठा एक, एक हिम्मत जोड़ जोड़ के खड़ा होना है और खड़े होकर उस उन महिलाओं के साथ जुड़ना है जो प्रॉबेबली इन हरकतों से या इन, इन इन इस तरह की बदसुल बथसु, बथसु, से गुजरी है एक चीज़ बताइए खुशबू आपने हालांकि उसका इशारा किया आ, कई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में चाहे वो साउथ की हो नॉर्थ की हो ईस्ट की हो आ, ये कमेटी की जस्टिस हेमा कमेटी तो केवल मलयाली फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए है मुंबई में हैदराबाद में कोलकाता में चेन्नई में ऐसी ऐसी घटनाएं शायद होती होंगी ऐसा अप्रियशन आपको भी है ऐसा अप्रिहेंशन यहाँ दूर बैठ के हमको भी होता है क्या आपको लगता है कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जो बनी है ऐसी कमेटियाँ और फिल्म इंडस्ट्री में भी बननी चाहिए हर जगह ऐसी कमेटी होनी चाहिए खाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं क्योंकि आज जो महिला हैं हमारी वो हर कोने में है कहाँ कहाँ जा रही हैं आसमान छू रही हैं तो मैं कहती हूं कि और हर जगह पर उनको इस तरह से एक इंडीसेंट प्रपोजल आता ही है हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अरे उनके साथ तो कभी ऐसी हरकत कोई नहीं है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी हरकतें होती हैं जहां पर महिलाएं डरती हैं या फिर उनको लगता है कि यार मैं क्या करूं या तो काम छोड़ देती है उनको तकलीफें होती हैं तो मैं कहती हूं कि हर जगह जहां पर महिलाएं काम करती हैं कोई भी इंडस्ट्री हो खाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं चाहे वो आई हो मेडिकल हो या उन, -उन वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हो या जो भी एरिया में महिलाएं काम करती हैं पॉलिटिक्स में भी महिलाओं के लिए ऐसी एक जगह होनी चाहिए कमेटी होनी चाहिए जहां पर वो अपनी आवाज उठा सके अपना प्रॉब्लम सामने रख सके हर जगह पर ऐसी एक कमेटी होनी चाहिए हमने देखा इस जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जब से सामने आई खुशबू बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर डायरेक्ट जो कलाकार हैं फिल्मकार हैं वो चुप हैं क्या आपको लगता है कि इस तरह के अभियान में इस तरह के जागरूकता में आ, कोई रिएक्शन नहीं आना ये भी ठीक है ये ठीक नहीं है डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि जब कुछ एक्टर्स या कुछ बाकी लोग आवाज नहीं उठाते हैं जब ऐसी घटना होती है लेकिन उसकी वजह भी है कि आजकल जो लोग हैं हम जो सोशल मीडिया की बात करते हैं आजकल लोग भी ऐसे हैं ना कि वो वही सुनना चाहते हैं किसी के मुंह से जो वो सुनना चाहते हैं तो अगर आपने कुछ अपनी बात सामने रखी आपका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हुआ तो फिर आपके ऊपर टूट पड़ते हैं लोग तो रखते हैं उनको तो लगता है कि मेरे हाथ में एक मोबाइल है मेरे पास एक बटन है तो मैं बस कुछ भी बोल सकता हूँ तो आई थिंक वो एक छोटा सा डर आ, हमारे जो स्टार्स हैं जो बे, बेसिकली बड़े स्टार्स हैं उनको रहता होगा आ, मैं नहीं जानती कि वो क्यों आगे बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो सब घर में एक औरतों के साथ रहते हैं उनकी बीवी होगी उनकी बेटियां होंगी उनकी बहनें होंगी उनकी अप, उनकी अपनी माए होंगी तो मुझे लगता है कि सभी को ऐसा कोई वक्त आता है कि अपना इसमें क्या हम क्यों इसमें दखल अंदाजी करें वो ना सोचते हुए साथ में जुड़े और कहें कि यार ये हमारे घर का प्रॉब्लम है एंड हमें सुधारना है हमारे साथ एक आखिरी सवाल खुशबू जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब बहुत सालों के बाद यह मामला खुलकर सामने आया सत्रह में कमेटी की रिपोर्ट बनती है उन्नीस में रिपोर्ट सबमिट होती है आज चौबीस में हम इस पे चर्चा कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि जैसा आपने शुरू में कहा कि जो जिनके साथ जाति हुई जिन महिलाओं के साथ अभिनेत्रियों के साथ उनको पहले सामने आना चाहिए था इतने दिनों बाद जब वो सामने आती हैं तो मामला एक तरीके से ठंडा पड़ जाता है कुछ असर भी नहीं दिखाई देता नहीं मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे बात कही कि शायद उस वक्त वो औरतें जो इन तरह इस तरह की घटनाओं से गुजरी हैं, उनको शायद एक दिल में डर रहता होगा काफी डर रहता होगा उनको कि मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरी बात पे कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा सबसे पहले वही सवाल उठता है ना कि तुमने क्या किया था तो वो मेरी बात पे कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा वो प्रॉब्लम जरूर होता है लेकिन यस हमने ये बात भी देखी है कि कभी कभी और मैं ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं एनसीडब्ल्यू में रह चुकी हूँ हाल ही में मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है तो मैं जब केसेस देखती हूँ तो वहां पे भी हम देखते हैं कि हमारे आईओज होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं जो कंप्लेन आती हैं उसमें काफी केसेस हम देखते हैं कि सिर्फ अपना एक पर्सनल वेंजेंस जो होता है अपने अपने पर्सनल स्कोर्स सेटल करने के लिए इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं लेकिन मैं कहती हूं कि ये जो है ये जो कमेटी बिठाते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड जिन जिन के ऊपर आरोप लगे हैं उनके साथ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड अगर वो आरोप जो है वो सही साबित होते हैं तो उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो डेफिनेटली मिलनी चाहिए लेकिन मैं अपनी महिलाएं बहनों से ये भी कहूंगी कि जब ये हरकत होती है तो इतनी तो हिम्मत जोड़ लो यार की उसी वक्त आवाज उठाओ क्योंकि एक बार जब तुम आवाज उठाओगे तो दूसरा आदमी आपके साथ ये हरकत करने से डरेगा एंड ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप कहते हो कि मेरे साथ ऐसी हरकतें ना करो तो वो आवाज जो है वो लाउड एंड क्लियर सबके कानों तक तो पहुंचनी ही चाहिए वो उसी वक्त अगर हम आवाज उठाए तो थोड़ा आपको भी हील होने में क्योंकि ये जो तकलीफ से आप गुजरते हो ये जो प्रॉब्लम से आप गुजरते हो वो आपको हील करने में भी आप आपका दुख और आपका दर्द उसको कम करने में भी बहुत मदद करेगा चलिए इस इस टिप के लिए खुशबू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुद मना करना होगा पहली बात तुरंत आवाज़ उठानी होगी मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वृंदा डिगे जी भी जुड़ी हुई है शुक्रिया वृंदा जी बात करने के लिए एन इंडिया से आप सुना आपने खुशबू जी को डिटेल में उन्होंने बात की आप लेकिन मेरा सवाल जो कि अब वो नहीं है मेरे साथ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अगर खुद आवाज़ उठाएं पहली बार में ही मना कर दे कि नहीं मैं मारूंगी जैसे उन्होंने कहा कि मैंने चप्पल दिखा दी अपनी ये सॉल्यूशन हो सकता है इससे औरतों को हिम्मत आएगी लोगों को काम मिलेगा आगे जाके काम नहीं मिलेगा उनको क्योंकि हम जानते हैं हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं ऐसे में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं जब आप रजिस्ट करते हैं जब आप धमकी देते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए फीमेल एज एज ए सोशल एक्टिविस्ट सबसे पहले तो आपने कह दिया कि ये पुरुष प्रधान समाज है सो so इस पुरुष प्रधा, प्रधान समाज में ये जो साइलेंस कल्चर ऑफ साइलेंस जो है कि मौन की ये जो संस्कृति है वो बहुत ही गहरी है उसके बारे में हमको बात भी नहीं करना चाहिए ये तो हमको कंडीशन हो ही गया है और खुशबू जी ने बताया कि आप जोर से चिल्लाओ जोर से आवाज उठाओ सुनने के लिए कोई होना तो चाहिए ना वहां पे जी आवाज उठाएंगे लोग देख भी रहे हैं कि ये हो रहा है और सिर्फ ये एक औरत के साथ या एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ या कोई दो तीन जन के साथ सिर्फ होता है नहीं वो जो आदमी है वो सबके साथ ट्राई करते हैं खुशबू जी ने ये भी कहा कि समझौता कर दे कर लेते हैं और पर्सनल वेंजेंस के लिए भी कंप्लेन करते हैं लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा आवाज उठाओ उठाएंगे जोर से नहीं उठा सकते क्योंकि वो जूनियर आर्टिस्ट है धीरे से तो आवाज उठाएंगे किसी से तो जाके बात करेंगे क्या होगा लेकिन कि किसी ने सुना नहीं किसी ने सुना कि? क्या कि? नहीं सुना क्योंकि जब ये कमिटी की रिपोर्ट आई क्या है आपको लगता है कि सिस्टम पर भरोसा नहीं है चाहे वो जज हो चाहे वो कानून हो चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आपके टीम लीडर हो कि अगर हम कंप्लेन लेकर गए कि हमारे साथ इस तरह के एडवांसेस किए गए हैं तो हमको मदद मिलेगी हमारी बात कोई सुनेगा क्या ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि आपकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट होगी और आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी वो तो बहुत ही बड़ी डाउट है उसमें तो कोई आ, सवाल ही नहीं उठता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन गई या कहीं और गई और रिपोर्ट लिखवाती हूँ या कंप्लेंट करती हूँ उसका कुछ सीरियसनेस होगा लेकिन ये जो हम आज की चर्चा कर रहे हैं वो तो एक संस्था के अंदर जो हो रहा है मेरे कोलीग्स या मेरे फ्रेंड्स या मैं जिसके साथ काम करती हूँ कल काम करूंगी रोज उनको देखूंगी उनके बारे में कंप्लेन करने के लिए मैं स्टेशन इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी मैं छोड़िए हमारी ये जो समाज में जो हमको मारता है घर में रोज पुरुष मारता है तो भी कोई स्टेशन नहीं जाएगा कानून है लेकिन कोई नहीं जाएगा जाएगा तो वो क्या करते हैं सीनियर से जो कोई है वहां पे कोई एक्सपीरियंस्ड है उनसे जाके बात करेंगे अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो किस से जाके बात करेंगे क्योंकि अभी वो कहेंगे कि अगर मैं कहीं और जाके बोलूंगी तो मेरा काम चला जाएगा ये समझौता नहीं है ये डर है कि ये काम चले जाने से डर नहीं है मुझे और कहीं काम नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो लो, पुरुष लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं कहेंगे कि इसको मत अपने सॉरी बीच में इंटरव्यू तो कर रहा हूँ मैं आपको

और एफआईआर करना ही चाहिए वो अम्मा जो है वो इंस्टीट्यूशनल वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो भी ऑफिस बेरर्स की एक जवाबदारी थी कि वो इंटरवीन करे वो इस मामले में थोड़ा सा जांच करे उन्होंने नहीं किया वो रिजाइन कर लिया है अभी वो पुलिस के हाथ में है कि वो एफआईआर करवाए और कोर्ट भी इनके ऊपर क्रमा ले सकती है right. क्योंकि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट के सामने भी हम रख सकते हैं right. आ, हमारे जो कानून है वो सख्त है लेकिन जुडिशरी जो है उसको करेक्ट से ठीक से लेके जाके उनको सजा देने में जुडिशरी की हाथ बहुत बड़ा है बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी हमसे बात करने के लिए वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच तो किस तरीके से चमकीली एक मॉलीवुड की दुनिया के पीछे का काला सच क्या है कितनी काली दुनिया है इसको खोल कर रख दिया है जस्टिस हेमा कमेटी की इस रिपोर्ट ने अब बढ़ते हैं आज की दूसरी और एक और बड़ी खबर की ओर और।, और ये बात हम शहरीकरण के नाम के जिस अंधाधुंध विकास की ओर बढ़ रहे हैं उसकी दरअसल दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है इसीलिए दशा भी दिन पर दिन खराब हो रही है और हर बरसात इसकी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं आप खुद सोचिए क्या ऐसा कोई शहर है जहां बरसात के दिनों में पानी ना भरता हो और इसमें वो बड़े बड़े शहर भी होते हैं जिन्हें कई बार विकास का मॉडल मान लिया जाता है गुजरात की बात कर रहे हैं मॉडल राज्य जिसको कहा गया गुजरात की बात करें तो यहाँ इन दिनों बारिश से जो हाल हैं उसने लगभग हर इलाके में जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है गुजरात का अहमदाबाद हो वडोदरा हो जामनगर हो या फिर मौरबी हर शहर में इन दिनों कई इलाके पानी में डूबे हैं कई सड़कों पर भरे पानियों में गाड़ियां डूब रही हुई हैं तो कई घर में ही पानी डूब गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है बाढ़ के हालात ग्रामीण इलाकों में और भी ज़्यादा खतरनाक बने हैं नदियां पहले से ही उफान पर हैं और कई बांधों में इतना पानी भर गया है कि उनके गेट खोलने पड़े हैं राज्य की पंद्रह नदियाँ भारी बारिश के कारण इस वक्त उफान पर हैं ओवरफ्लो हो रही हैं ऊपर से मौसम विभाग ने तीस अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पिछले दो दिनों में कम से कम नौ लोगों की मौत हो चुकी है गुजरात में वडोदरा का तो हाल शायद सबसे ज़्यादा खराब है भारी बारिश के कारण अजवा और प्रतापपुरा जलाशयों से पानी छोड़ना पड़ा है जिसके कारण विश्वमित्री नदी तटबंध तोड़कर बह रही है नदी का पानी वडोदरा के कई रिहायशी इलाकों में घुस गया है बड़ोदरा काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ है शहर में लोग घुटनों तक पानी में आते जाते दिखाई देते हैं राहत और बचाव के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा एस और एन के लोग लगे हुए हैं गुजरात के खेड़ा जिले के नरियाड़ में शेड़ी नदी के पास एक गौशाला में फंसे पंद्रह तो लोगों को बचाया गया भारी बारिश की वजह से गौशाला में पानी भर गया था जिसके कारण यहाँ कुछ लोग फंस गए थे एस ने बारह घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गुजरात में यह मूसलाधार बारिश निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हो रही है जो पूर्वी राजस्थान से सौराष्ट्र की तरफ जा रहा है इसके कारण बांधों में भी पानी लबालब भरा है इसी कारण गुजरात के अमरेली में थेबी बांध के दो गेट खोल दिए गए लगातार हो रही बारिश के कारण बांध में पानी बढ़ गया इसका असर यह है कि आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं गुजरात के मोरबी की यहाँ भी बांध के गेट खोलने पड़े हैं जिसके बाद शहर में कई जगह निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है अहमदाबाद के खेड़ा इलाके के एक बंटवाड़ी गांव के पास बाढ़ के पानी में कार सवार पांच लोग फंस गए इन लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से इन लोगों को कार से निकालकर सुरक्षित बचाया जा सका उधर जामनगर में पानी के तेज बहाव के बीच खम्बे पर फंसे युवक को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव किया गया यहाँ भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया था ऐसे में जान बचाने के लिए ये युवक खम्भे पर चढ़ गया था साबरकांठा के हिम्मतनगर तहसील में झील ओवरफ्लो हो गई इसके बाद निचले इलाकों के लोगों को यहाँ से हटने की चेतावनी दी गई लोगों को आसपास के स्कूलों में शरण लेने की सलाह दी गई हिम्मतनगर समेत ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण ज़्यादातर झीलें ओवरफ्लो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हालात का जायज़ा लिया और राहत और बचाव तेज़ करने से जुड़े निर्देश दिए लेकिन सवाल ये कि हमारे शहरों कस्बों में ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं इस पूरे मामले पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने टाउन प्लानर एच एस संचेती जी बहुत बहुत शुक्रिया संचेती जी हमसे बात करने के लिए आ, मेरा पहला सवाल आपसे यही है क्या होता है क्या हम शहरों के जो वाटर का जो सीपेज सिस्टम है जो निकासी का सिस्टम है उसको विकास के नाम पर ब्लॉक करते जा रहे हैं नदे नालियाँ भरते जा रहे हैं ये दिक्कत है कि okay, मैं बताऊँ यह शहरों की भी समस्या है गाँव की भी समस्या है और उस एरिया की भी समस्या है तो जहाँ प्लानिंग की बात आती है वहां प्लानिंग में फर्स्ट स्टेज जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दैट इज रीजनल प्लान उस रीजन का प्लान बनना चाहिए क्योंकि पानी कहीं एक कोई एक कस्बे से लेके एक गांव से लेके वहां ब्लॉक नहीं हो जाता इसकी रेंज जो है वो ड्रेनेज सिस्टम पूरा बनता है तो पहली जो सबसे बड़ी समस्या जो इंडिया में देखी जाती है वो देट इज़ ए रीजनल प्लान्स आपके कहीं नहीं एक नेशनल कैपिटल रीजन है जो कि कैपिटल की, की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वजह से बनाता प्रायोरिटी आपकी होती है टाउन्स की कि भाई टाउन्स की भी प्लानिंग होनी चाहिए कि अच्छा मास्टर प्लान जब बनता है तो 20-25 साल का बनता है जी तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में किस तरह से बरसात होती क्या हैवी इंटेंसिटी है उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है उसका आउटलेट क्या है इनलेट क्या है ये सारी चीज़ें जो है आपके मास्टर प्लान एंड प्लान में आती है तीसरी होती है आपका विलेज प्लान भी बनने चाहिए आपके जितने विलेज हैं आज इंडिया में वो उनको तो कोई फैसिलिटी देने वाला ही नहीं है शहरों में फिर भी मिल जाती है गाँव की ऐसी दुर्दशा होती है कि पानी आपको ये पता ही नहीं है कि पानी एक्चुअली निकलेगा कहाँ जी उस गांव वालों को पता नहीं है उन एरिया वालों को पता नहीं है उनके डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी इंजीनियर्स हैं उनको पता नहीं है तो ये थ्री लेवल की जो है ये प्लानिंग आपकी जो है इंडिया लेवल पे जरूरी है रीजनल प्लानिंग सिटी प्लानिंग एंड तो ये मानवीय कमी है आप तो आप ये ह्यूमन फेलियर यस 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 अपनी प्लानिंग नहीं है आप ये देखें कि नेशनल कैपिटल रीजन बनने के बाद आपके इंडिया अभी अभी नदियां को जोड़ने की बात करते हैं ड्रेनेज को जोड़ने की बात करते हैं और भी जो कि आपका सिस्टम है आपके लेक्स है पॉइंट्स है आपके तालाब है नदी नाले ये क्या कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं ऐसा है कि नहीं कोई की कोई भी ऐसा तालाब या कोई भी ऐसा डैम या कोई भी ऐसी नदी या कोई छोटे से छोटा नाला भी पूरे ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम अगर फेल्योर होता है तो आज ये जो पीस मिल में काम कर रहे हैं ना अपन की बारिश ज्यादा हो गई उसको रियायत दे दी है एक्स्ट्रा टीमें लगा दी है परंतु ये एक्चुअली क्या है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट सॉल्यूशन में ये आपको चाहिए कि पहले आप प्लानिंग करें प्लानिंग के बाद आपको उसका सारा जो है डिटेल प्लानिंग करें डिटेल प्लानिंग के बाद उसका आप बजटिंग करें बजटिंग करके और आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी क्योंकि इतना बजट या इतना काम सारा इंडिया में हो नहीं सकता है तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे जो बड़े जो है फ्लडिंग एरिया जो है वो राजस्थान में तो उल्टा हो रहा है कि जहां हम रोड की कंडीशंस मानते हैं कि राजस्थान गुजरात में रोड रहता हमेशा अब के उल्टा हो रहा है कि पानी जो है एक्सेस वाटर हो रहा है अभी मैं पिछले दो महीने से लंदन में था लंदन में आए दिन बरसात होती आप ये देखें कि एक दिन है जिसमें बरसात पर आपको आपको किसी भी सड़क पे आपको पानी दिखाई नहीं देगा ड्रेनेज सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी छोटी से छोटी सड़क पे पानी आपको दिखाई नहीं क्योंकि उसका एक ड्रेनेज बढ़िया बातें कर रहे हैं संचेती जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातों को जो हमारे हुक्मरान हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सुन रहे होंगे उनके कानों पर जू शायद रेंगे और जब वो प्लानिंग करें अपने नए शहर को या पुराने शहर को लंबा चलाए रखने के लिए तो इन छोटी छोटी और लेकिन अहम बातों का ध्यान ज़रूर रखें जी साहब शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तो टाउन प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है ताकि बाढ़ का पानी इस तरीके से भरे नहीं और विकास के मॉडल को इस तरीके से धराशाई ना करें वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का इसी नोट पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो गुजरात की कुछ और खबरें ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे बने रहिए मेरे साथ जैसे कि हम गुजरात की कवरेज लगातार कर रहे हैं हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी गुजरात पहुंची है गुजरात के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने दौरा किया है लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है ना उनको खाने का इंतज़ाम हो पा रहा है ना उनके पास बिजली की कोई सुविधा बची है लोग एक दूसरे को कंधे पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर मजबूर हैं वडोदरा में चापड़ गाँव के एक, एक ग्रामीण इलाके में पहुंची है सुजाता आइए देखते हैं वहाँ से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट So, आप अगर देखें यहाँ पर तो हम ये एक गांव है और जिस पर मैं चल रही हूँ वो कोई नदी या कोई एक प्रकार का रिजर्व नहीं बल्कि एक सड़क है जहां पर अक्सर लोग चलते हैं लेकिन यहाँ पर इतना पानी जो है ऊपर आ चुका है कि मेरे कमर से ऊपर जो है यहाँ पर पानी है तो आप विचार करिए कि यहाँ पर महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे चलते होंगे इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर पर जो जो शेल्टर है वो भैंसे हैं जो जानवर है वो अटके हुए हैं उनके उन्हें भी निकालने का कोई साधन जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं और जो लोग हैं वो अपने घर के ऊपर जैसे तैसे सपोर्ट लेकर खड़े हैं और यदि वो जरा सा भी नीचे उतरते हैं तो वो सीधे पानी में यानी घर के चौखट से बाहर निकलते ही सीधा एक शख्स अपने रस्ते पर नहीं बल्कि पानी में उतरेगा इतना ज्यादा पानी यहाँ पर मौजूद है जो गाड़ी है जो स्कूटर है और साथ ही जो वाहन है वो पूरे तरीके से पानी में जलमग्न हो चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो पूरे तरीके से टूट चुकी है छोटे बच्चों से लेकर जो महिलाएं हैं जो पुरुष हैं वो अपने घर में बद चुके हैं और यहाँ तक पानी इतना ज़्यादा है बारिश इतनी ज़्यादा पिछले कुछ घंटों से हो चुकी है कि यहाँ पर जो इन्हें रिसोर्सेज मिलनी चाहिए जो इन्हें यहाँ पर जो पानी और खाने की सुविधा मिलनी चाहिए वो भी इन तक अब तक नहीं पहुंची है लोगों से जान लेते हैं आपका नाम क्या है और आप यहीं पे रहते हैं हाँ, कितने दिन से आप ऐसे ही अपने घर के अंदर बंधे हुए है? तीन हैं तीन चार दिन बनते तीन चार दिन से और किसी प्रकार की सहायता मिली है अब तक नहीं नहीं मिली, नहीं मिली।, नहीं मिली।, नहीं मिली। और ये घर के बाहर इतना ज्यादा पानी में देख रही हूँ घर के अंदर तक जो है पानी का ये लेवल मैच हो रहा है आ, मतलब कैसे आप लोग खा क्या रहे हैं पी क्या रहे हैं पानी का कोई व्यवस्था नहीं है लाइट नहीं दिख रही है कैसे जी रहे हैं लाइट है कुछ नहीं है लाइट भी नहीं है खाना भी नहीं है कैसे खाए कितने दिन से लाइट नहीं है वो तो दिन, चार दिन चार तीन दिन से होगा आपको सीधे एक घर के अंदर लिए चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि स्थिति क्या है चौखट है घर काफी ऊपर था लेकिन पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो है घर के अंदर पानी घुस चुका है आ, बिजली नहीं है पीने का पानी नहीं है खाने के लिए कुछ नहीं है जिसके चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सहायता कभी ना कभी मिलेगी इसी उम्मीद में जो है यहाँ पर मौजूद हैं और आ, अगर आप देखें तो इसमें इस घर में जो खटिया है वो खटिया भी पूरे तरीके से पानी में डूब चुकी है आ, यदि मैं इस घर के अंदर जाऊँ तो आ, आप देखेंगे कि जो पूरा सामान है वो एक सुरक्षित लकड़ी के प्लैंक पर रखा गया है ताकि वो ना भीगे लेकिन उसके नीचे जो सारा सामान है वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है पानी में मग्न हो चुका है आगे आइएगा आपका नाम क्या है तेजल बेन तेजल तेजल बेन आ, तेजल ये बताइएगा ये आपका आप इसी घर में रहते हाँ हैं? इसी घर में रहते हैं पानी घुटनों तक है आपके हाँ, कैसे है। कैसे रह रहे, रहे कोई कैसे भी करके वो खटिया है ना वो बाहर टांगी थी हाँ, रात को हाँ, रात पूरी दी, पूरी रात हम वो ईटे हैं ना हाँ, वो नीचे डाल के उसके ऊपर हाँ, खाटला रख के फिर हम लोग पूरी रात बैठे रहते थे खाने के लिए भी कोई नहीं आया पूछने के लिए भी मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे है तीन क्या करू मैं मेरी मम्मी के घर पे रखी खाने के लिए भी कुछ नहीं है घर पे सब भी गया है कोई भी पूछने नहीं आता मुझे मेरे तीन बच्चे हैं छोटे छोटे मम्मी के घर पे रखा है पर मम्मी के घर में भी पानी आ गया अब मैं लेने जाऊँ सजाऊ और आपके पति कहाँ पर है वो भी वही मम्मी पे घर पे गए है वो रो रहे थे ना वो मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो तीनों बच्चे आपके आपके मम्मी के जुड़े हाँ उस उनके घर में भी पानी आ गया है इसलिए मम्मी के घर पे गए लेने के लिए और अब तक आपको कुछ आ, किसी प्रकार की सहायता नहीं कुछ भी सहायता नहीं मिली अभी तक खाने के लिए कोई भी पूछने नहीं आया हम क्या कर रहे बच्चों को भी क्या खिलाए हम कुछ भी सकते हैं नहीं क्या खिलाएंगे पिछले तीन दिन से गुजरात के कई ऐसे गांव जहां पर इस प्रकार की स्थिति आई हुई है, घर पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं लोग अपने घरों के बाहर रुककर इंतजार कर रहे हैं कि खाना पहुंचे और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा बारिश ना हो क्योंकि बारिश होगी तो ये इस प्रकार पानी में फंसे हुए नजर आएंगे घर का जो आधा दरवाज़ा है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है और छोटी लड़कियों से लेकर महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको जो है वॉशरूम का एक्सेस नहीं है वो यहाँ से अपनी सुविधा के लिए दुकान तक नहीं जा सकते क्योंकि दुकान बहुत ज़्यादा दूर है वहाँ पर जाने के लिए जो गाड़ी और जो साइकिल की जरूरत है वो भी पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई है ऐसे में भारत के एक श्रेणी ये लोग भी है लेकिन ये लोग मदद की गुहार जरूर लगा रहे हैं लेकिन इंतजार में है क्योंकि इन तक सहायता पहुंच नहीं पा रही है ऐसे में बारिश का पूरा कहर इस प्रकार गुजरात के कई जिलों में देखने मिल रहा है और ऐसे गांव वाले इलाकों में जहां पर पानी खाने बिजली की सुविधा नहीं है वो पूरे तरीके से जो है इस समय स्थिति में नहीं है कि एक तो बात करें और यदि बात कर रहे हैं तो अपनी आप बीती बताने के लिए ही कर रहे हैं चापड़ गांव से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी एनडीटीवी इंडिया के लिए उम्मीद करते हैं कि गुजरात में पानी नीचे उतरे और जल्द से जल्द प्रशासन वहाँ तक पहुँचे और लोगों की मदद कर सके आज इतना ही शुक्र